वंदे मातरम। इंडिपेंडेंस डे चिपे कबू कफे कचु बुइनचु मोलमा डेमो वन सोदोना अमोनम विया वन अटॉप थिंग इन लोथिल दोनिया क्या मत रोइंग ना चोक दिया है आ चेटन खाते फोन ले पे तो आ वहीं जो से ले लान भी लो ठीक ठुन कत्ते नौ लत सिंग लवा है गनि हा खम मे गनि ए हि स्टेडियम तुंग ल मने या थिंग वे छिन ये टेन टेन करते पर नो थिंग वे आ है अरे तीन ही कमांड आए रे दो पहले आ गए आप अपने विद्यार्थी बच्चों के साथ जहां प्लाटून नंबर 10 लगा हुआ है तो तभी विद्या में कोई लाइफ डांस के तरफ से इंडिपेंडेंस डे लो हम ये पे कंपटीशन खेला था तब तक रेड कम नहीं लेम लो हम नहीं लेम लो तो मारे ना दिन एल एफ एम लो नहीं का स्वागत करवाई का फल कर सकते हैं दुश्मन के जल्द से जल्द बर्बाद कर पाते हैं इन बात सदस्यों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाता है तीन टीमों का कुल 7 पोजीशन है जिसे लड़ाई के मैदान में हथियार कर दुश्मन पर काम चालू कर रहे हैं अब यहाँ पर टीम टीमों के टीम कमांडर द्वारा अतिथि महोदय की अनुमति लेते हुए यहाँ पर टीमों टीम कमांडर के द्वारा अतिथि महोदय से परमिशन लिया गया अब यहाँ पर सबसे पहले पहला पोजीशन चेक वेपन की कर रहे हैं यहाँ पर सभी बल सदस्यों के द्वारा सबसे पहले वेपन चेक वेपन की कार्रवाई किया गया और ये देखा गया कि वेपन हथियार सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसके बाद पोजीशन नंबर 2 आता है। पोजीशन नंबर 2 विभिन्न प्रकार के फायर पोजीशन जैसे लेट कर पोजीशन से फायर करना, बैठ कर पोजीशन से फायर करना, हाई रेलिंग पोजीशन से फायर करना, स्टैंडिंग पोजीशन, इन सही पोजीशन से जरूरत के अनुसार अपने आकार को छोटा या बड़ा कर दुश्मन से बचकर दुश्मन के ऊपर फायर कर बर्बाद करना होता है। इस पोजीशन में तीसरा पोजीशन पीछे लेट कर पीछे फायर करना। लड़ाई के मैदान में अगर दुश्मन पीछे है तो तेजी से अपना आकार छोटा कर पीछे लेट कर पीछे दुश्मनों को ऊपर फायर कर दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। पोजीशन नंबर 4 डाउन पिरामिड पोजीशन एक ही लाइन में विभिन्न प्रकार के पोजीशन अख्तियार कर और दुश्मन के ऊपर
फाड़कर दुश्मन को बर्बाद किए जाते हैं। उसी प्रकार अब पिरामिड पोजीशन, इसमें भी एक ही लाइन में विभिन्न प्रकार के पोजीशन से फायर कर दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। नेक्स्ट पोजीशन नंबर 6, चारों कॉर्नर में फायर पोजीशन। लड़ाई के मैदान में जब दुश्मन चारों तरफ से फैला हो तब चारों कोना में छोटी छोटी टुकड़े बनाकर विभिन्न प्रकार से पोजीशन लेकर फायर कर दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। पोजीशन नंबर 7, यदि लड़ाई के मैदान में ऊंची दीवार हो और उसके ऊपर फायर करना संभव नहीं हो तब उस स्थिति में इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है, फायर कर दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। अब है पोजीशन नंबर 8, ऑल ऑन डिफेंस फायर पोजीशन। लड़ाई के मैदान में जब दुश्मन चारों तरफ फैला हो एक ही जगह से ऑल ऑन डिफेंस बनाकर चारों दिशा में दुश्मन के ऊपर फायर कर दुश्मन को बर्बाद करते हैं। यहाँ पर भारत माता की जय घोष करते हुए पोजीशन नंबर 9 में अंत में जवानों के द्वारा चेक वेपन की कार्रवाई की जाती है। बहुत ही शानदार कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा मैं, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी